कैसे हो आप सर? तो आज हम देखेंगे जनरल साइंस मतलब ABS। तो हमारा सिलेबस तो कंप्लीट हो गया है, तो फिर से हम रिवीजन स्टार्ट करते हैं क्योंकि अभी हमारी फाइनल एग्ज़ाम बाकी है। ओके, तो इस एग्ज़ाम में हमने कुछ चैप्टर लिए थे और कुछ चैप्टर बाकी थे, तो फिर से हम सभी चैप्टर का रिवीजन कर लेते हैं। ओके, मतलब अभी हमारे पास टाइम है तो सभी चैप्टर की जो एक्सरसाइज है वो हम फिर से रिवाइज कर सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट चैप्टर से हम स्टार्ट करते हैं रिवीजन करना फिर से। तो फर्स्ट चैप्टर हमारा है काइंड ऑफ प्लांट्स, जो यूनिट है प्लांट्स लाइफ। ओके, तो आपको तो पता है ना प्लांट्स बहुत अलग अलग तरीके होते हैं, बिग स्मॉल वेरी स्मॉल। ओके, बड़े जो बड़े ट्री होते हैं उसको ये वाले जो ट्री होते हैं बिग ट्री कहते हैं। फिर आप पीछे देख सकते हो तो यहाँ पे आप जो देख रहे हो वो स्मॉल प्लांट्स है उसे कहते हैं श्रब। फिर ये वेरी स्मॉल मतलब जो सबसे छोटे प्लांट्स होते हैं उसे कहते हैं हर्ब्स। ओके, ये है क्लाइंबर्स, ये है क्रीपर्स। ओके, और ये जो लास्ट वाले हैं यहाँ पे वो है थॉर्नी प्लांट्स। ओके, तो अब हम देखेंगे उसकी एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट है क्वेश्चन 1, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो फर्स्ट यहाँ पे है नेम टू ट्रीज। तो यहाँ पे टू ट्रीज़ के नेम देने हैं, तो ट्री कौन कौन से होते हैं? तो आपको जो भी ट्री के नाम आते हैं वो आप लिख सकते हो, जैसे कि मैंगो ट्री, नीम ट्री, बनियन ट्री, कोकोनट ट्री। ओके, फिर है नेम टू क्रीपर्स, तो ब्राउनी एंड कुकुम्बर। फिर है थर्ड नेम टू श्रब्स, तो रोज एंड कॉटन प्लांट्स। फिर है नेम टू थॉर्नी प्लांट्स, जो कांटो वाले प्लांट्स होते हैं, तो उसमें आता है कॉक्टस भी लिख सकते हो, फिर रोज में भी कांटे होते हैं ना। ओके, फिर आप बैगन मिला भी लिख सकते हो। ये रहे देखो थॉर्नी प्लांट्स, कॉक्टस, रोज और बैगन मिला। फिर है क्वेश्चन 2, चूज द राइट वर्ड्स एंड फिलिंग द ब्लैंक्स। तो यहाँ पे हमें ब्लैंक्स दी है। ओके, तो फिर से हम करते हैं। तो ये मैंगो ट्री हैज़ अ ब्लैंक स्टेम, तो उसकी जो स्ट्रीम होती है वो कैसी होती है, सॉफ्ट होती है या हार्ड होती है? क्योंकि मैंगो ट्री है वो बड़ा ट्री होता है तो उसकी स्ट्रीम हार्ड होती है। ओके, फिर है गुलमोहर इज़ अ ब्लैंक, तो वो हर्ब है या ट्री है? तो गुलमोहर ट्री है। ओके, ब्लैंक इज अ क्लाइंबर, तो ग्रेपवीड या सॉरी फ्लावर, तो क्लाइंबर इज ग्रेपवीड। फिर फोर्थ है ब्लैंक आर ऑल्सो कॉल्ड बुशेस, तो श्रब्स। फिर है फिफ्थ, ट्री हैज़ नो ब्रांचेस, तो पीपल या कोकोनट, इन दोनों ट्री में से किसमें ब्रांचेस बहुत ज़्यादा नहीं होती, तो कोकोनट ट्री में, क्योंकि उसमें सिर्फ कुछ मतलब आपने देखा होगा कि उसमें बहुत ब्रांच नहीं होती, उसकी जो ब्रांचेस होती है ना ऐसे आप ट्री में जैसे देख सकते हो उसकी बहुत सारी ब्रांच होती है, लेकिन कोकोनट ट्री में ऐसी बहुत नहीं होती है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, स्टेट द फॉलोइंग सेंटेंस आर ट्रू एंड फॉल्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें ट्रू फॉल्स का है। तो फर्स्ट है द स्टेम ऑफ अ ट्री इज कॉल्ड ट्रंक, तो ट्रू। सेकेंड है श्रब लिव फॉर वेरी लॉन्ग टाइम, तो फॉल्स, क्योंकि श्रब उसका जो उसका लीव लॉन्ग टाइम नहीं होता है, वो बहुत ही शॉर्ट टाइम ही होता है। फिर है थर्ड हर्ब्स आर वेरी स्मॉल प्लांट्स, तो ट्रू। बनाना प्लांट इज अ ट्री, तो फॉल्स। कॉक्टस इज थॉर्नी प्लांट्स, तो यस ट्रू। ओके, फिर लेट्स हैव फन, तो यहाँ पे क्या करना है, सर्कल द प्लांट विच इज द डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। ओके, तो यहाँ पे हमें ऑड वन कहते हैं ना, ऑड पिक्चर्स ऑड वर्ड्स, तो वैसे यहाँ पे हमें सभी पिक्चर्स कौन से दिए हैं, बिग ट्री, तो यहाँ पे सिर्फ एक छोटा सा प्लांट है, तो ये ऑड पिक्चर हो गया ना जिसके ऊपर हमें सर्कल करना है। फिर सेकंड वाला है, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे सब छोटे छोटे प्लांट्स हैं, लेकिन यहाँ पे बड़ा सा एक बनियन ट्री है, तो ये ऑड पिक्चर हो गया। फिर है तो कलर द फॉलोइंग पिक्चर, तो यहाँ पे तो आपने कलर ऑलरेडी कर ही दिया है, अगर नहीं किया है तो आप फिर से ये कंप्लीट कर लो। फिर है यहाँ पे पजल दिया है हमें, तो पजल में क्या करना है, तो आपको कुछ लेटर्स दिए होंगे ना, और हमने तो ऑलरेडी कर ही लिया है, तो हम सिर्फ जो वर्ड्स है उसको फिर से रिपीट कर लेते हैं। तो ये वाला हम देख लेते हैं, तो ये है हर्ब्स का है, फिर ये वाला ट्रीज, फिर क्रीपर्स, फिर ये वाला जो वर्ड्स है वो
क्लाइंबर्स और ये है श्रब्स। ओके, फिर हम देखते हैं सेकंड, क्योंकि अब हम जो रिवीजन कर ले तो वीडियोस में मैं एक से दो, अगर बहुत ही लॉन्ग उसकी एक्सरसाइज होगी तो मैं एक ही चैप्टर लूँगी, जो शॉर्ट एक्सरसाइज होगी तो मैं दो दो चैप्टर लूँगी। ओके, तो सेकंड चैप्टर मैं ले रही हूँ यूज़ ऑफ प्लांट्स। तो यहाँ पे आपने ये पूरा चैप्टर तो हमने देख ही लिया है ना, तो हम देखते हैं उसकी एक्सरसाइज फिर से रिविज़न कर लेते हैं। तो फर्स्ट है गिव टू एग्जाम्पल ऑफ ईच, तो हमें यहाँ पे एक्सरसाइज में उसके दो एग्जाम्पल देने हैं, जैसे कि प्लांट हुज रूट्स आर ईटन, तो रेडिश और कैरेट। सेकेंड है प्लांट हुज फ्रूट आर ईटन, तो पम्पकिन और कुकुम्बर। फिर है थ्री ट्रीज हुज वुड इज यूज फॉर फर्नीचर, तो शीशम और टेक। फिर है फोर्थ प्लांट्स गिविंग फाइबर, तो जूट एंड फ्लॉक्स। फिर फिफ्थ वाला है प्लांट्स विच गिव अस मेडिसिन, तो तुलसी एंड टर्मरिक। फिर सेकेंड है टेक द राइट वर्ड पॉइंटेड इन बोल्ड, तो फर्स्ट है गुनी बैग इज मेड फ्रॉम कॉटन या जूट फाइबर्स, तो जूट। सेकेंड है वी गेट एडिबल ऑयल फ्रॉम सनफ्लावर या जैस्मिन, तो सनफ्लावर। थर्ड है वी मेक पेपर फ्रॉम द पल्प ऑफ फ्लैक्स या बाम्बू, तो बाम्बू। फिर फोर्थ वाला कुंबर या स्पिनच इज लीव वेजिटेबल्स, तो स्पिनच। फिर थर्ड वाला है चूज द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट्स एंड फिलिंग द ब्लैंक्स, तो यहाँ पे हम साइड में ब्रैकेट्स उसके दिए हैं, तो इनमें से जो सही है वो हमें चूज करके यहाँ पे लिखना है। तो फर्स्ट है चंपा, तो परफ्यूम या फिर तो उसमें क्या आएगा फ्रूट या गम, तो गम। कोकोनट, तो एडिबल ऑयल। फ्लैक्स, तो रूट। कुकुम्बर, तो फ्रूट वेजिटेबल, तो कैलोरी, तो क्या होगा स्टीम वेजिटेबल। फिर फोर्थ वाला है आंसर दिस क्वेश्चन, तो यहाँ पे सोटी हमें आंसर देना है, तो है व्हाट मेक द सॉइल फर्टाइल, तो डिड प्लांट्स मिक्स विद सॉइल एंड मेक इट फर्टाइल। फिर सेकेंड है वेयर डू वी यूज ऑयल, तो वी यूज ऑयल फॉर कुकिंग एंड फॉर मैनी अदर प्रोसेस। ओके, तो ये जो है वो क्वेश्चन आंसर है, तो क्वेश्चन आंसर तो आपको खास करके याद रखने हैं, तो ये आप नोट में भी लिख कर प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर थर्ड वाला है फ्रॉम वेयर डू वी गेट पेपर, वी गेट पेपर फ्रॉम पल्प ऑफ बाम्बू एंड पाइन ट्री। फिर फोर्थ वाला है लिस्ट थ्री यूज़ ऑफ प्लांट्स, तो फर्स्ट प्लांट्स मेक द एयर प्योर, टू प्लांट्स गिव अस सैंड, थ्री वी गेट वुड फ्रॉम प्लांट। फिफ्थ है विच पार्ट ऑफ पोटैटो प्लांट्स डू वी ईट द वेजिटेबल, तो वी ईट स्टेम ऑफ पोटैटो प्लांट्स एज वेजिटेबल। ओके, तो ये क्वेश्चन आंसर हमने कंप्लीट कर लिए। फिर नेक्स्ट है लेट्स हैव फन, तो ड्रो अ फॉलोइंग पिक्चर इन योर स्क्रैप बुक एंड कलर देम, तो आपको यहाँ पे पेपलिव एंड ड्रो मैंगो का जो आपको बुक में ड्रॉ करना है। फिर नेक्स्ट है पजल है जो हमें क्रॉसवर्ड है, पिक्चर भी दिया है। ओके, तो पिक्चर में आपने कलर तो फिल कर ही लिए होंगे, अगर नहीं किए तो आपको कलर फिल करना है। फिर यहाँ पे उसके नेम लिखने हैं, जैसे कि फर्स्ट पिक्चर किसका है ऑरेंज, तो यहाँ पे वन नंबर लिखा है ना, तो ऑरेंज का हमें यहाँ पे उसका पूरा वर्ड्स लिखना है। फिर सेकंड किसका है, तो सेकंड है मैंगो, तो ये रहा सेकंड, तो मैंगो। फिर थर्ड वाला पिक्चर, तो ये थर्ड वाला क्या है ग्रेप्स, तो ग्रेप्स। फोर्थ वाला, तो फोर्थ कहाँ पे पियर। फिर फिफ्थ है एप्पल। ओके, तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन सॉरी चैप्टर नंबर वन एंड टू की हमने फिर से रिवीजन की है उसके एक्सरसाइज की,
तो आपने टेक्स्ट बुक में तो ऑलरेडी आपने लिख ही लिए होंगे आंसर, अगर नहीं लिखे तो फिर से आप इसमें से देख के आप लिख सकते हो आंसर, और अगर आपने लिख लिए है तो आपको फिर से नोटबुक में रिवाइंड मतलब आपको फिर से लिखना है और आपको लर्न करना है ओके। खास करके तो आपको क्या लर्न करना है, क्वेश्चन आंसर ओके। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर का